स्वागत है आप सभी को मिस सर बहन के एपिसोड नंबर 8 में। एपिसोड के स्टेज अब उसकी छोटी बहन हमसे गई थी कि मुझे तुमसे नफरत है। आगे युकी ही तो इससे कहती है अब मुझे अपने कमरे में जाना चाहिए ताकि तुम्हें तुम्हारे पढ़ाई में परेशानी ना हो। दिन ऐसा कहकर वो यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं युकी फिर से सपना देख रही होती है। कैप्सिका सॉस की बोतल उससे कह रही होती है क्या तुम्हें पता है ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने मुझे ठीक वैसे ही फेंक दिया जैसे कि तुमने अपने बहन को फेंक दिए थे। तुम सिर्फ लोगों को मारना जानती हो और इसलिए और कोई तुमसे नफरत करते हैं। युकी कहती है ऐसा नहीं है मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ नॉर्मल बनने की। वो सॉस का बोतल कहता है तुम अभी भी दोस्ती और दूसरे लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हो। वहाँ देखो वो सच में तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहते हैं। जो कुछ भी हुआ है वो सब तुम्हारी गलती है। नेक्स्ट टाइम युकी की बचपन का सीन देखते हैं। उसकी असली नाम मारिया होती है। उसकी यहाँ पर इंटरव्यू हो रहा होता है। हमें यहाँ पर पता चलता है उसके पास काफी सारे स्किल्स होते हैं जैसे कि वो 15 लैंग्वेज जानती है। उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत ही अच्छी है और उसकी याददाश्त भी बहुत ही अच्छी है और उसकी एथलेटिक एबिलिटी एक बच्चे से कहीं ज्यादा थी। इन्हीं सभी स्किल्स की वजह से वो स्पॉटलाइट में थी लेकिन उसे उसके टैलेंट और अटेंशन के ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं थी। उसकी नजर सिर्फ एक चीज के ऊपर थी। वो अपने प्यारे मॉम डैड के चेहरे के ऊपर खुशियाँ देखते रहना चाहते थे। नेक्स्ट टाइम युकी की बर्थडे का सीन दिखाया जाता है और हम यहाँ पर उसकी छोटी बहन को भी देखते हैं। उसकी बर्थडे के दिन ही कोई उसके घर के बाहर आकर कॉलिंग बेल मारता है और उसके मॉम डैड बाहर कौन आया है देखने के लिए जाने लगते हैं और युकी यहाँ पर काफी घबरा जाती है और अपने मॉम डैड को पुकारने लगती है पर उसके मॉम डैड उसकी बात को नहीं सुनते और कहीं चले जाते हैं और युकी यहाँ पर रोने लगती है और कहती है ये सब मेरी गलती है मुझे माफ कर दो। और हमें यहाँ पर बताया जाता है युकी जो की एक प्रोडिजी है जिसके पास काफी सारे स्किल्स हैं उसे किडनैप करने के लिए उसके मॉम डैड को मार दिया गया और उसकी बहन भी इन सभी गड़बड़ी में फंस गई। युकी जिनसे प्यार करते थे उन्हें खोने के बाद युकी की इमोशन खत्म हो गई और उसके लगाव अपने मॉम डैड के ऊपर से हटकर उसकी बहन के ऊपर चला गया। पर हम देखते हैं उसकी छोटी बहन उससे कह रही होती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मुझे तुमसे नफरत है और वो अपनी बेल को उतार के फेंक देती है और कहती है मुझे ये बेल नहीं चाहिए। आखिरी में उसे उसकी छोटी बहन ने रिजेक्ट कर दिया। इन सब के बाद युकी के पास सिर्फ एक ही रास्ता बची थी अपने असासन वाले जिंदगी जीना। जिंदा रहने के लिए वो सिर्फ लोगों को मारती थी। इससे पहले कि वो ये जान पाती वो सिर्फ लोगों को मारने के लिए जी रही थी और ऐसे ही वो दुनिया की सबसे ज्यादा खूंखार असासन बन गई। आगे हमें पता लगता है ये सब बातें जो उसके बारे में कह रहे थे ये उसके मास्टर होते हैं। तभी हम देखते हैं युकी यहाँ पर जाग जाती है क्योंकि ये तो उसे पुकार रहा था। ये तो उसे उससे कहता है क्या तुम ठीक हो मुझे तुम्हारी चिंता हुई तो मैं तुम्हारी हालचाल जानने के लिए आ गया। तुम नींद में बहुत ही करा रहे थे क्या तुम ठीक हो। तभी युकी उसे अपने बाहों में पकड़ के उसे अपने साथ ही सुला लेती है और ये तो उसकी यहाँ पर शर्म के मारे उसकी हालत खराब होने लगता है। युकी ये मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें इससे थोड़ी सी परेशानी हो रही है पर प्लीज मुझे तुम्हारे साथ ऐसे ही थोड़े समय के लिए रहने दो। इस पर ये तो उसे कहता है क्या तुम्हें कोई और बुरा सपना आया। युकी ये हाँ ये एक बुरा सपना है पर ये कुछ और भी था। ये सपना बहुत समय पास्ट का है और आगे कहती है माफ करना मुझे कुछ भी याद नहीं आ रही। ये तो उसे उसके पेट के ऊपर थपथपा के उसे साफ करने लगता है जिससे युकी को थोड़ा सा अच्छा लगता है और वो सो जाती है। नेक्स्ट अगले दिन हम स्कूल का सीन देखते हैं। टाइगर यहाँ पर युकी को कत्सुता फेस्टिवल के बारे में बता रहा होता है और कह रहा होता है इसमें स्पोर्ट्स फेस्टिवल कल्चरल फेस्टिवल और म्यूजिक फेस्टिवल तीनों ही होते हैं। यह हमारे स्कूल में एक लंबे समय से चली आ रही परंपरा है। कोबाची कहता है हर एक क्लास तीनों फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते हैं और ओवरऑल रैंकिंग में कॉम्पीट करते हैं। जो भी क्लास जीतता है उन्हें कई सारे इनाम दिया जाता है और उनमें से एक प्रीमियम तरीके से बनाया गया स्पेशल कैप्सुता सॉस भी है जो सुनकर युकी के मुंह से लार टपकने लगता है। कोबाची आगे कहता है लेकिन सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए फेस्टिवल जितना इम्पोसिबल है स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट की क्लास से जीतेगी। तभी टाइगर कहता है अगर हमारा एम टॉप पर पहुंचना है तो हम आने वाले कल्चरल फेस्टिवल में हार नहीं सकते। कोबाची कहता है और हमें अपने ग्रेड भी बेहतर रखने होंगे। युकी इस बात को समझ नहीं पा रही। तो उसे इस पर कहता है हमें इसके लिए अपने एग्जाम में अच्छा करना पड़ेगा। तुम्हारा एग्जाम कैसा गया। युकी इस पर कहती है मैं पास हो गई। ये तो उसे कहता है तुम्हारे स्कोर के ऊपर ये निर्भर करता है कि तुम कत्सुता फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर सकती हो या नहीं। क्लास की एवरेज स्कोर कत्सुता फेस्टिवल की ओवरऑल रैंकिंग में कंट्रीब्यूट करता है। हमारा क्लास का एवरेज लगभग 60% है इसलिए अगर तुम्हारा स्कोर 37 से कम आता तो तुम पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते। युकी ये जानने के बाद अपनी मार्क्स को देखकर काफी दुखी हो जाती है और कहते हैं मैं तो एवरेज से नीचे हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए। ये तो उसे उससे कहता है तुम इतने भी पीछे नहीं हो तुम अभी भी पार्टिसिपेट कर सकती हो। टाइगर कहता है जिनके स्कोर कम है उन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। युकी इस पर कहते हैं मैं तैयार हूँ और भी ज्यादा मेहनत करने के लिए और हम देखते हैं उन सभी की बातों को एक आगे भी सुन रही होती है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं युकी यहाँ पर ग्रेस से काफी ब्रेड पाने के बाद काफी खुश होती है। ग्रेस कहती है इसकी सप्लाई बहुत ही कम है इसलिए मुझे इसे लाने में काफी मुश्किल हुई इसलिए अगर तुम मुझे थोड़ा सा थैंक यू कह दोगे तो तुम मर नहीं जाओगे ना। युकी इस पर उसे थैंक यू कह देती है। ये सुनकर ग्रेस थोड़ी सी हैरान हो जाती है और सोचती है क्या ये भूल गई है कि कुछ समय पहले ही मैं तो इसको बंदी बनाया था या फिर वो मुझे किसी खतरे के रूप में नहीं देखती। आगे ग्रेस कहती है अगर हमारा काम हो गया है तो जल्दी करो यहाँ से चले जाओ अगर मैं इस तरीके का काम करते हुए पकड़ा गया तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगी। ये तो उससे कहता है बस भी करो ये कोई ब्लैक मार्केट ट्रेड नहीं है। ग्रेस कहते हैं खैर चले भी जाओ मुझे जिम क्लास से पहले मैक्सेट में स्कोर भी देना है और युकी यहाँ पर
हिट हो उससे पूछती है कुछ तो फेस्टिवल में हमारे क्लास को जीतने के लिए कितने स्कोर करने होंगे। हिट उससे कहता है क्या तुम सच में जीतने के लिए सीरियस हो? खैर मुझे तुम्हारा एबिलिटी को देखते हुए मुझे लगता है ये पॉसिबल हो सकता है, पर इसके साथ ही हमें तुम्हारी असली पहचान भी छुपानी होगी। तभी ग्रीस ये सब सुनकर कह रही है क्या तुम कक्षता फेस्टिवल में पार्टिसिपेट लेने की सोच रहे हो? पर तुम जिम क्लास के एग्जाम पेपर में अपना नाम बिना लिखे ही दे दिए थे, अगर तुम फेल हो गए तो तुम पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हो। ये जानकर युकी को काफी बड़ा झटका लगती है। एग्जाम के दौरान मैंने तुम्हारा आंसर शीट के ऊपर एक नजर डाली थी और मुझे पता चला कि सिर्फ तुम ही एक हो जो कि अपने नाम लिखना भूल गई हो। ये बहुत ही शर्म की बात है, काश तुम पास हो जाते। और युकी यहाँ पर कहती है मैं बेवकूफ थी कि तुम्हें थैंक यू कही। ग्रेस कहते मुझे ये मत बताओ यहाँ पर गलती तुम्हारी थी। तभी ये तो उससे कहता है क्या तुम अभी उसे उसके नाम लिखने की परमिशन नहीं दे सकती हो? ग्रेस कहते क्या तुम सच में सोचते हो मैं तुम्हें इतना बढ़िया सौदा फ्री में दे दूंगी? अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एग्जाम में पास कर दूं तो तुम्हें कच्चूता ब्रेड देने वाले डील को कैंसिल करनी पड़ेगी। और इसके अलावा और एक शर्त है, जब तुम रोमन खाने जाओ तो तुम्हें सास को घर पर ही छोड़ के जाना होगा। युकी उसके सौदे को मानने वाली होती है, तभी वहाँ पर थोड़ी सी हवा चलती है और युकी यहाँ पर देखती है कोई बड़े ही तेजी से ग्रेस के पीछे से गुजरती है। और ग्रेस ये देखकर हैरान हो जाती है कि युकी के पेपर में उसके नाम लिखा हो गया था। और आगे वो युकी के ऊपर गुस्सा करने लगते है कि आखिर ये किस तरीके की जादुई चाल थी। तभी तो ऐसे कहता है इससे पता लगती है कि गलती तुम्हारी थी, युकी अपने नाम पहले से ही लिखी हुई थी लेकिन तुमने अच्छे से देखा नहीं। ग्रेस गुस्से में यहाँ से जाने लगती है और कहती है मैं इस बार इसे जाने देती हूँ पर अगली बार ऐसा नहीं होगा। उसके जाने के बाद हितो उसे पूछता है तो तुमने ये कैसे किया? हम यहाँ पर देखते हैं हिका की ये सब की थी और वो यहाँ पर कह रही थी मुझे खुशी है कि मैं युकी के लिए कुछ कर पाई। तभी युकी उसके पास आ जाती है और कहती है हाँ तुम बहुत मददगार थे, तुम्हारा शुक्रिया। पर हिका की यहाँ पर युकी को देखकर काफी शर्मा जाती है। तभी हितो उसे यहाँ पर आकर कहता है तुम हिका की हो है ना? हिका की यहाँ पर काफी ज्यादा शर्मा रही होती है और कहती है मेरे नाम है नाका हिका की। और आगे कहती है मुझे पता है कि हम कल्चरल फेस्टिवल कैसे जीत सकते हैं। ये सुनकर ये दोनों काफी हैरान होते हैं और इतने में ये एपिसोड खत्म हो जाता है।